हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाशकीय। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल, वो लाइट सिग्नल होगा। ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कौन सा सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे? लाइट सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, और सारा इन्फॉर्मेशन उस लाइट सिग्नल में ही रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट लिंक के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन लाइन इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एक होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, तो सबसे सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, इसमें थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसमीटर, सेकंड होता है रिसीवर, और थर्ड होता है चैनल। ठीक है, इसमें एक चैनल होगा, एक रिसीवर होगा, और एक ट्रांसमीटर होगा। और जो चैनल होगा उसमें टू कनेक्टर लगे होंगे। अभी हम लोग जब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम पॉइंट टू पॉइंट लिंक का, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें दो कनेक्टर लगे होंगे, और इसमें फाइबर होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा, और स्प्लीसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम, जो कम्युनिकेशन है पॉइंट टू पॉइंट लिंक का, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो दिखाई दे रहा है, यही है आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट ब्लॉक होता है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स का, सेकंड ब्लॉक होता है ट्रांसमीटर का, और यहाँ पे चैनल है, और यहाँ पे होता है रिसीवर अगला ब्लॉक, और यहाँ पे होता है अगला ब्लॉक यूजर का। तो चलिए जानते हैं हम लोग एक एक ब्लॉक का बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक में क्या होता है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है यहां से जनरेट किया जाता है, इस ब्लॉक से इंफॉर्मेशन सोर्स जो मैसेज सिग्नल यहां से जनरेट किया जाता है। ठीक है, वो किसमें होता है? आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है। वो कहां पे जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल? ट्रांसमीटर के पास जाता है। ठीक है, ट्रांसमीटर के पास यहां पे जाता है, और यहां पे ट्रांसमीटर में इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज किया जाता है लाइट सिग्नल में। तो यहां पे जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसमें हम लोग यूज करते हैं एलईडी का, ठीक है, या फिर लेजर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर देता है किसमें? लाइट सिग्नल में। फिर यहाँ पे जो चैनल दिखाई दे रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर का चैनल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक केबल होता है जिसके द्वारा हम लोग लाइट को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, अगला ब्लॉक आता है रिसीवर का, जहां से लाइट को रिसीव किया जाता है। जो भी लाइट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है लाइट का, वो रिसीवर से रिसीव किया जाता है। तो रिसीव वाला ब्लॉक में हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? इसको बोलते हैं फोटो डायोड का। ठीक है, फोटो डिटेक्टर का यूज करते हैं, फोटो डिटेक्टर के रूप में हम लोग फोटो डायोड का यूज करते हैं रिसीवर में। यहाँ पे रिसीवर क्या करता है, इस लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और जो भी यूज करने वाला यूजर है उस सिग्नल को प्राप्त कर लेता है। तो यह होता है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अभी हम लोग इसका कम्प्लीट ब्लॉक डायग्राम भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस ट्रांसमीटर के अंदर होता क्या है। तो ट्रांसमीटर में होता है आपका एलईडी या फिर लेजर। ठीक है, एलईडी का यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांसमीटर में, या फिर लेजर का भी यूज कर सकते हैं। एलईडी और लेजर का काम क्या होता है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम करता है एलईडी या फिर लेजर। ठीक है, और जो चैनल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। यहाँ पे जो चैनल दिखाई दे रहा है, जो कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर का होता है, एक प्रकार का केबल होता है जिससे हम लोग लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं रिसीवर। तो रिसीवर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? फोटो डिटेक्टर को। ठीक है, फोटो डिटेक्टर को यूज करते हैं एज ए रिसीवर। फोटो डिटेक्टर में आपका पीडी हो सकता है, फोटो डायोड हो सकता है, पीआईएन हो सकता है, लाइन फोटो डायोड हो सकता है, अवलांचे फोटो डायोड हो सकता है। इन सब का यूज हम लोग फोटो डिटेक्टर के रूप में करते हैं, कहां पे? रिसीवर में। ठीक है, रिसीवर में इसका यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं
कि जो फोटो डिटेक्टर है या फोटो डायोड जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका काम क्या होता है। तो इस फोटो डायोड का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करता है, जो लाइट सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो फोटो डायोड का काम यही होता है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो चैनल का पैरामीटर होता है वो कौन कौन से होते हैं। चैनल पैरामीटर्स और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, उस चैनल के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें कोर साइज, ठीक है। सेकंड होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, बैंडविड्थ, एटेन्यूएशन, कोर रिफ्रेक्शन इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर होते हैं किसके, कम्युनिकेशन चैनल के। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसमीटर पैरामीटर्स और एमिशन वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल लाइन विद, इफेक्टिव रेडिएशन एरिया और इमिशन परफॉर्म, ये सारे जो आपके पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांसमीटर के पैरामीटर होते हैं। अभी अगले आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सिर्फ अभी हम लोग देख रहे हैं इसका बेसिक, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका रिसीवर जो होता है, रिसीवर पैरामीटर्स और रिसीवर के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग वेवलेंथ और सेंसिटिविटी, तो ये तीनों जो दिखाई दे रहा है ये है आपका रिसीवर पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है कम्युनिकेशन सिस्टम का उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह आपका ट्रांसमीटर साइड है, ये आपका रिसीवर साइड है, ठीक है। और बीच में क्या है, कम्युनिकेशन चैनल जो कि ऑप्टिकल फाइबर का होता है, ठीक है। ये होता है कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। एक एक ब्लॉक के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एलईडी का सिंबल है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल सोर्स होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर में हमने बात किया है कि एक सोर्स होता है कौन सा, ऑप्टिकल सोर्स, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं एलईडी का या फिर लेजर का, ठीक है। यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है एलईडी का, तो यहां से क्या होगा यहाँ होगा आपका एलईडी या फिर लेजर। यहाँ पे होता है, ठीक है, ए वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है फाइबर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये होता है आपका कनेक्टर। तो हमने पीछे देखा है कि जो कनेक्टर होते हैं दो होते हैं, यहाँ पे एक कनेक्टर है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे वाला जो होता है वो फाइबर होता है, इधर से फाइबर होता है, यहाँ पे फाइबर होता है। और ये छोटे छोटे फोर दिखाई दे रहे हैं चार गो, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्प्लिसेस यही होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है यहाँ पे कनेक्टर और फिर आता है यहाँ पे वाला फाइबर प्ले फ्लाई लीड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फोटो डायोड का, फोटो डिटेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं फोटो डायोड का। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स जो ब्लॉक है वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, वो कौन सा होगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो इस जो एलईडी है यहाँ पे इसको हम लोग देंगे क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एलईडी क्या करेगा, यहाँ से फोटोन डायोड, जो फोटोन होता है वहां से जो लाइट होता है इसको एमिट करेगा, ठीक है। एलईडी यहाँ से एमिट करेगा, कहाँ पे जाएगा, आपका फाइबर प्लेट पे जाएगा। यहाँ से जुड़ा होता है एक कनेक्टर, किसके बीच में, जो फाइबर प्लेट और जो यहाँ पे जो फाइबर है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम होता है कनेक्टर का, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि लाइट जाएगा कहाँ पे, फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा होता है उससे जाएगा, ठीक है, लाइट। यहाँ पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्प्लिसेस, यहाँ पे लगा हुआ फोर इसको बोलते हैं स्प्लिसेस, ठीक है। और पूरा जो इतना दिखाई दे रहा है यही ऑप्टिकल चैनल होता है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल केबल का। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगा होता है फिर से कनेक्टर, जो फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है और जो फाइबर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फिर से कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फाइबर लीड है यहाँ से फिर लाइट जाएगा कहाँ पे, एक फोटो डायोड के पास। फोटो डिटेक्टर के रूप में हम लोग फोटो डायोड का यूज करते हैं, जो यहाँ से जो लाइट आएगा, जो लाइट सिग्नल होगा उसको फिर से चेंज कर देगा इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो यह होता है इसका कंप्लीट वर्किंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लाइट सिग्नल के थ्रू जाता है,
तो यह होता है इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं कि जो एनालिसिस करेंगे वो कैसे करेंगे। टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस डन टू आइडेंटिफाई सिस्टम परफॉर्मेंस। फिर सिस्टम को कम्युनिकेशन सिस्टम उसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका लिंक पावर बुकलेट एनालिसिस और दूसरा होता है राइज टाइम बुकलेट एनालिसिस। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप इस जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है, इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।